मुक्ति गौतम, आप सबके फिटनेस कोच, तो गाइस लोग मुझसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग वेट लॉस, हाउ टू स्टे फिट, इनफैक्ट अबाउट माय वेट लॉस जर्नी. सो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अभी करें चैनल को सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलें. मैंने वेट लूज करने का तब सोचा जब मेरी नीचे वाली आंटी, ऊपर वाली आंटी, साथ वाली आंटी, इधर वाली आंटी, रिश्तेदारों ने बोलना शुरू किया कि ये लड़की तो बहुत मोटी है. और उनकी बातें मुझे सुननी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. मेरे हिसाब से क्रिटिसिज्म वॉज मोटिवेशन फॉर माई वेट लॉस जर्नी. और साथ साथ मुझे खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था बिकॉज मेरा जो लोअर बॉडी पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था. तो जीन्स पहनना, निकर्स पहनना मुझे कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगा है. तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेके काफ़ी अनहेल्दी फील करती थी. येस ऑफ कोर्स, वाई नॉट. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है. इनफैक्ट शायद काफ़ी लोग ये नहीं जानते दैट मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट. बनाना खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. बट अब मेरी एज कितनी हो गई है, मैं बचपन से बनाना खाती आ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा बढ़िया. स्पेशल अगर आप वर्कआउट कर रहे हो ना, तो प्री वर्कआउट में बस आपको एक बनाना खाना है एंड यू आर रेडी फॉर वर्कआउट. बहुत सारी मैंने वीडियोज़ में ऐसे सुना है कि वेट लूज करना है तो एग येलो खाना छोड़ दो, राइस खाना छोड़ दो, पोटैटो खाना छोड़ दो. भाई सब कुछ खाने छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर छोड़ना ही है तो फ्राइड खाना छोड़ दो, चीनी की कंजप्शन छोड़ दो, ऐसी चीज़ें छोड़ो जो कि आपके लिए अनहेल्दी है. एक एग येलो में सिर्फ 50-55 कैलोरीज होती है विच इज इक्वल टू 1 चम्मच ऑफ देसी घी. एग येलो में तो इतना ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैट होता है विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ. इसमें वाइटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे वाइटामिन्स हैं. इसमें कैल्शियम है, आयरन है और साथ ही साथ ओमेगा 3. हम ओमेगा 3 के बाहर से कैप्सूल ले लेके खाते हैं और आयरन की गोलियां खाते हैं, कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, पर हम एग येलो को निकालना प्रेफर करते हैं. वेट लॉस ट्रिक्स ना हमेशा वो फॉलो करने चाहिए जो कि आपकी लाइफस्टाइल को बदले, ना कि वो फॉलो करने चाहिए जो कि आप में मिथ या फिर अंधविश्वास पैदा करे. तो मेरा पर्टिकुलरली पहला एम रहता है अपनी बॉडी को एल्कलाइन रखना, हर एक मील के बाद वॉक करना स्पेशली आफ्टर डिनर, कट शुगर इनटेक, और अगर डाइट करना आपके बस की नहीं है तो हफ्ते में एक बार फास्टिंग, दिन में एक बार ऐसे ड्रिंक जरूर ले जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करे. घर पे कोई भी ऐसी चीज मत रखो, ऐसी चीजों का स्टॉक मत रखो जो कि अनहेल्दी हो, वेट गेन करे, जैसे कि मिठाई का डब्बा हो गया, चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया. और ये नियम है कि एक बार जो आपने अपनी प्लेट भर ली उतना ही खाएं. इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही ऊपर तक भर लें चावल और रोटी. तो पहले से सोच के रखें कि 2 चपाती खानी है, इतने राइस खाने हैं, उतना ही खाना. बार बार किचन में चक्कर नहीं मारने हैं कि आप अपनी प्लेटों को भरते रहो और फटाफट खाते रहे. मेरे हिसाब से मोटिवेटेड रहने में इसका बहुत बड़ा रोल है कि आपका पार्टनर कैसा है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है. अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो कि रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करता है, फिटनेस फ्रीक है, तो उसको देख के आपको मोटिवेशन मिलती रहती है. बट अगर मैं बात करूँ अपनी, तो माई मोटिवेशन इज माई ब्रदर. आपको अपनी प्रोग्रेस जरूर चेक करनी चाहिए कि आपका वेट कितना हो गया है, इंचेस में कितना ज़्यादा फर्क पड़ा. और ये सब चीज़ें सिर्फ तब नहीं चेक करनी होती जब आप प्रॉपर डाइट ही फॉलो कर रहे हो. अगर समझ लो आपको 2 महीने हो गए, आपने कोई डाइट प्लान नहीं फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल केयरलेस हो, तो उस टाइम पे भी अगर आप चेक कर लोगे, अपने इंचेस चेक कर लोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए मोटिवेशन हो सकती है और आप फिर से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो. माय फिटनेस मंत्रा, तो सबसे पहले जिस चीज़ पे मैं फोकस करती हूँ दैट इज़ टू कीप माय बॉडी एल्कलाइन. तो सुबह उठते ही जो मैं सबसे पहला पानी पीती हूँ वो कॉपर बॉटल से पीती हूँ. चीनी का इंटेक कम से कम करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आपको ये समझना है कि जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी एल्कलाइन रहेगी ना, उतना ही ज़्यादा आप बीमारियों से बचे रहेंगे. तो चीनी का इंटेक कम कर दें, अपनी डाइट में ग्रीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लें. और कैलोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपना वेट लूज करना है, गेन करना है या फिर अपना वेट मेंटेन करके रखना है. बट कैलोरी से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास न्यूट्रिशन. कैलोरीज के चक्कर में न्यूट्रिशन को कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना. तो अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि आप 20 ग्राम न्यूटेला यानी कि 1 चम्मच न्यूटेला का खाना पसंद करोगे या फिर 350 ग्राम वाटरमेलन जो कि पूरा बाउल भर जाएगा जिसमें कि ऑलमोस्ट इक्वल कैलोरीज है, 100 to 150 कैलोरीज, तो डेफिनेटली
न्यूट्रिशन की अगर बात आती है देन आई विल प्रेफर वाटरमेलन। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि 108 कैलोरीज के अंदर अंदर मुझे 20 ग्राम्स ऑफ न्यूटेला लेना है, 2 बिस्किट लेने हैं, आधा पैकेट मैगी का लेना है, या फिर सेम कैलोरीज में 15 बादाम खाने हैं, 350 ग्राम वाटरमेलन लेना है, एक कटोरी राजमा और कॉम्बिनेशन ऑफ 1 होल एग एंड 1 व्हाइट एग। कभी कभी अनहेल्दी खाने का सबका मन करता है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो अपने फूड्स को, हेल्दी की जगह पे आप अनहेल्दी खा सकते हो, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे ही अनहेल्दी खाना शुरू कर दोगे तो आपका कैलोरीज का कोई फायदा नहीं है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट पे भी खा रहे हो कोई भी फायदा नहीं है अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है। That's it guys, अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट शेयर लाइक माय वीडियोस एंड गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुक्ति गौतम के नाम से एंड प्लीज काफी लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस।